हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल क्लासेस। ओकुल क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस पार्ट वन देखा था। उसमें हमने इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस का डेवलपमेंट देखा था सिंस द इंडिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश, और देखा था कि 2021 में इंडिया और बांग्लादेश ने अपने रिलेशनशिप की गोल्डन जुबली और बांग्लादेश का इंडिपेंडेंस की भी गोल्डन जुबली सेलिब्रेट करी गई थी, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर वहां पे विजिट किया था उन्होंने, और इन दोनों देशों के बीच में क्या क्या कोऑपरेशन के एरियाज हैं हमने इस पे डिस्कस किया था। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया बांग्लादेश रिलेशनशिप पार्ट टू। इसमें कुछ और भी कोऑपरेशन के इशूज एरियाज देखेंगे, और साथ में देखेंगे हम इन दोनों देशों के बीच में क्या चैलेंजेस हैं रिलेशनशिप को लेकर के, और फिर जो है वे फॉरवर्ड देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को। अगर बात करें हम सिक्योरिटी एरियाज के, जो सिक्योरिटी एरियाज में क्या दोनों देशों के बीच में संबंधों का स्वरूप कैसा है, तो जो सिक्योरिटी है हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन की इंडिया के, उसकी जो सिक्योरिटी है उसके पर्पज से बांग्लादेश का काफी महत्व है इंडिया के लिए। ठीक है, क्योंकि बांग्लादेश में जो ये इंसर्जेंट्स हैं, विद्रोही हैं, जो उग्रवादी हैं, उनको शरण मिलता है, ठीक है, आश्रय मिलता है। तो द पार्ट ऑफ द इंश्योरिंग द सिक्योरिटी ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इज बाय इंश्योरिंग द दैट बांग्लादेश डज नॉट बिकम अ शेल्टर फॉर द इंसर्जेंट। तो अब जो इंडिया बांग्लादेश के बीच में जो रिलेशनशिप है उसमें ये चीज पे डिस्कस किया जा सकता है कि बांग्लादेश को उनका आश्रय न बनने दिया जाए, और जो अन्य जो बड़े इंडिया के जो सुरक्षा संबंधी चिंताएं हैं उसमें है कि जो बांग्लादेश है वो जो फ्रंट लाइन रेडिकल टेरर है साउथ ईस्ट एशिया में, उसका इंडिया के लिए फ्रंट लाइन न बन जाए वो एक तरीके से। जो रेडिकल टेररिज्म है साउथ ईस्ट एशिया में, अतिवादी आतंक जो है, जैसा कि आप देखोगे कि एक रोहिंग्या के इश्यूज में भी दोनों देशों के बीच की इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, और इसी तरीके से जो पाकिस्तान के द्वारा स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है वो भी साउथ ईस्ट एशिया में भी उसके जो है कुछ जो टेररिस्ट हैं उधर से भी इंडिया में एंटर करने की कोशिश करते हैं। तो कहीं बांग्लादेश जो है उनका एक अड्डा न बन जाए, एक फ्रंट लाइन न बन जाए, ठीक है। बांग्लादेश जो है जो धार्मिक आतंकवाद है, जो उससे संबंधित जो एक्टिविटीज है इंडिया में, उसका भी एक लॉन्च पैड में ना बदल जाए। ये सब सिक्योरिटी से रिलेटेड चिंताएं हैं, सुरक्षा से रिलेटेड चिंताएं हैं भारत की बांग्लादेश को लेकर के, ठीक है। इंडिया रिलेशन विद बांग्लादेश इज आल्सो लिंक्ड टू इट्स रिलेशनशिप विद चाइना। जो बांग्लादेश का रिलेशनशिप है चाइना के साथ, उसको लेकर के भी इंडिया का बांग्लादेश के साथ रिलेशनशिप में कंसर्न्स है, और इंडिया नहीं चाहता है कि बांग्लादेश जो है चाइना की जो स्ट्रिंग ऑफ पोल्स पॉलिसी है, स्ट्रेटजी है, जो रणनीति, इसको पॉलिसी नहीं स्ट्रेटजी ही कहा जाए तो ज्यादा अच्छा है, तो जो स्ट्रेटजी है, रणनीति है, उसका एक पॉल यानी मोतियों की माला में से एक मोती बांग्लादेश न बन जाए। बांग्लादेश को नहीं बनने देना चाहता है, लेकिन बांग्लादेश ने तो दे दिया है अपना चिटगांव, ठीक है, और इसका जो चाइना का इंसर्कलमेंट की पॉलिसी है इंडिया को, उसमें बांग्लादेश भी एक तरीके से इन्वॉल्व हो रहा है। तो इंडिया का ये कंसर्न है सिक्योरिटी को लेकर के, ठीक है। अब मैं देखो एक इसी के साथ हम यहाँ पे आपको एक मैप दिखाते हैं, ठीक है, जो एक कुछ टेरर जो मिलिटेंट्स हैं जो नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, रिबल विदाउट अ कॉज, बिना कारण के ही विद्रोह, सिंस 1997 ओवर 11,000 गुरिल्लास हैव बीन हाउस्ड इन 63 डिजिग्नेटेड कैंप इन आसाम, नागालैंड, मणिपुर और मेघालय में। ये 11,000 गुरिल्लास, गुरिल्लास का मतलब जो गुरिल्ला वॉर बोलते हैं ना, वो जैसे कि छुप करके वॉर करना, ठीक है, फिर छुप जाना, वॉर करना फिर छुप जाना, ठीक है, इस तरीके का जो वॉर करते हैं, जो लड़ाई करते हैं छुप करके वॉर करने वाले, गुरिल्लास बोले जाते हैं, ठीक है। तो जो आसाम में गुरिल्ला ग्रुप है, इन सीज फायर 6 डेजिग्नेट कैंप्स हैं और 31 मिलिटेंट कैंप्स हैं आसाम में,
यानी ओवर 5,000 जो है गोरिल्लाज यहाँ पे हैं। नागालैंड में गोरिल्ला ग्रुप सीज फायर में 4, और जो डेजिग्नेटेड कैंप्स हैं वो 14 हैं मिलिटेंट कैंप्स, और इसमें जो है 5,000 यहाँ पे भी हैं। इसी प्रकार से मणिपुर में भी देखो गोरिल्ला ग्रुप्स हैं 21, डेजिग्नेटेड कैंप जो है 12, मिलिटेंट इन द कैंप्स 1,800। मेघालय में गोरिल्ला ग्रुप जो है इन सीज फायर 1 है, और डेजिग्नेटेड कैंप है 6 और मिलिटेंट है 156। ठीक है, तो ये एक पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है इसी तरीके के मिलिटेंट्स और गुरेला ग्रुप्स में की वजह से पीड़ित रहता है हमेशा। ठीक है, तो ये यहाँ पे मिलिटेंट्स जो है इंडिया के अगेंस्ट में कभी कभी वो उग्रवादी जो गतिविधियां यहाँ पे चलती रहती है वो निर्जातीयता से बेसिकली जुड़ी होती है। ठीक है, आपसी संघर्षों से वो पनपती है, लेकिन वो जो उग्रवाद है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स है उससे अलगाववाद की नीति भी ये लोग अपना लेते हैं। तो ये चीजें जो है नॉर्थ ईस्ट में चलती हैं, तो उनको अगर बांग्लादेश में आश्रय मिलने लगता है तो ये इंडिया के लिए ज्यादा चिंताजनक हो जाएगा। ठीक है, दोनों देशों के बीच में जो बहुपक्षीय फोरम्स हैं वहां पे भी मंच है, जो बहुपक्षीय मंच है वहां पे भी दोनों देशों के बीच में कोऑपरेशन काफी स्ट्रांगली चलता है। इंडिया थैंक्ड बांग्लादेश, थैंक्स बांग्लादेश फॉर सपोर्टिंग इंडिया इन द इलेक्शन टू द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल के जो इलेक्शन है स्थायी सदस्यता के लिए इंडिया ने बांग्लादेश को उसके लिए सब थैंक्स कहा था कि भाई आपने हमारी मदद करी वहाँ पे। हालांकि इंडिया जो सिक्योरिटी काउंसिल है यूएनएससी में जो इंडिया को जाने का स्थायी मेंबर बनने का परमानेंट मेंबर बनने में जो सबसे बड़ा रोड़ा है वो है चाइना। चाइना का हालांकि इंडिया ने चाइना को इसका मेंबर बनने में हेल्प किया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे चाइना इंडिया की हेल्प नहीं, मतलब इंडिया के सपोर्ट में नहीं आ रहा है, क्योंकि चाइना जानता है कि यूएनएससी में जाने के बाद इंडिया ज़्यादा बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा चाइना के अगेंस्ट में। ठीक है, तो इसलिए चाइना सिर्फ एक चाइना ही ऐसा कंट्री है जो इंडिया को विरोध कर रहा है। तो इंटरनेशनल रिलेशन में आपने देखा इंडिया को चाइना ने सपोर्ट किया था, सॉरी इंडिया ने चाइना को सपोर्ट किया था लेकिन चाइना इंडिया को सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो इंटरनेशनल रिलेशन जो आइडियलिज्म पे नहीं चलता है, उस समय जो हमारे नेहरू जी थे वो आइडियलिज्म पे चला रहे थे, लेकिन ये रियलिज्म पे ज्यादा चलता है। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं है कि इमोशन में आकर के चाइना इंडिया को सपोर्ट कर देगा, तो इमोशंस नहीं चलते यहाँ, रियलिज्म चलते हैं, यथार्थवाद पे ज्यादा चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है। दोनों देश जो है जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म है सुधार है उसको लेकर के दोनों देशों ने साथ में काम करने पर सहमति जताई है, और क्लाइमेट चेंज ठीक है को से लड़ना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो धारणीय विकास के लक्ष्य हैं उनको पूरा करने के लिए, और जो प्रवासी हैं प्रवासी मतलब माइग्रेंट्स जो प्रवास करके आते हैं उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए, ये सब मुद्दे जो है यूएन में उठाने के लिए और इन पर एक साथ दोनों आगे बढ़ने के लिए ने सहमति जताई है। हाईलाइटेड दैट द रीजनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज सार्क एंड बिम्सटेक हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले, और इनका जो है सार्क और बिम्सटेक में काफी महत्वपूर्ण रोल है दोनों को यहाँ पे निभाना है। इसी तरीके से बांग्लादेश ने इंडिया को थैंक्स कहा, क्यों थैंक्स कहने का मतलब यहाँ पे है कि मतलब इंडिया ने उसको फेवर किया तो वो बांग्लादेश उसका एहसानमंद है, एहसान मानता है, क्योंकि इंडिया ने फॉर कन्वेइंग द शार्क लीडर्स वीडियो कॉन्फ्रेंस इन मार्च 2020 एंड फॉर द क्रिएशन ऑफ द शार्क इमरजेंसी रिस्पॉन्स फंड, सार्क इमरजेंसी रिस्पॉन्स फंड बनाया गया इंडिया के द्वारा, जो ये डिजिटल जो कॉन्फ्रेंस हुआ था मार्च 2020 में, और इसका जो ये सार्क इमरजेंसी रिस्पॉन्स फंड था उसको बनाने का उद्देश्य था टू काउंटर द इफेक्ट्स ऑफ द ग्लोबल पैंडेमिक इन द साउथ एशियन रीजन। जो कोविड-19 की जो ग्लोबल पैंडेमिक चल रहा है, महामारी चल रही है, उसको उसके प्रभाव को कम करने के लिए वहां पे इमरजेंसी रिस्पॉन्स फंड बनाया गया था सार्क का, और वो 2020 मार्च में जो
सबमिट हुई थी, लीडर्स की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें ये इंडिया ने शुरू किया था। तो बांग्लादेश विल एज्यूम चेयरमैनशिप ऑफ द इंडियन ओशन टीम इन 2021। जो IORA है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन जो है इंडियन ओशन की जो कोस्टल एरियाज वाले कंट्रीज हैं, इंडियन ओशन में जो भी कंट्रीज पड़ते हैं, ठीक है, इंडिया यहाँ पे आप मान लो, बाकी इधर जो साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, अफ्रीका है, या अरब गल्फ, ये सब कंट्रीज हैं, इन सब का एसोसिएशन है। तो इन बांग्लादेश उसका चेयरमैन बनने वाला है 2021 में। एंड रिक्वेस्टेड टू सपोर्ट ऑफ इंडिया फॉर द वर्किंग टूवर्ड्स द ग्रेटर मैरिटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। और बांग्लादेश ने भारत से अपील की है कि वो दोनों साथ में काम करेंगे, जो मैरिटाइम सिक्योरिटी है, समुद्री क्षेत्र में जो सुरक्षा है और उस बचाव है उसको, उसके सिलसिले में। अब यहाँ पे अगर हम बात करें दोनों देशों के बीच में चुनौतियों की, तो जो तिस्ता रिवर वाटर डिस्प्यूट है दोनों देशों के बीच में बहुत बड़ा एक हर्डल है, ठीक है। तो तिस्ता रिवर जो है सिक्किम में ओरिजिनेट होती है और वेस्ट बंगाल होते हुए बांग्लादेश तक जाती है, सिक्किम में से निकलती है, वेस्ट बंगाल होते हुए बांग्लादेश तक जाती है। बांग्लादेश में यह नदी जमुना से मिल जाती है, जो जिसको इंडिया में ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं, उसी को वहां पर बांग्लादेश में जमुना बोलते हैं। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जमुना एक्चुअली में ब्रह्मपुत्रा है, ठीक है, और ब्रह्मपुत्रा असम में ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश में सियांग बोलते हैं, और चाइना में शालुंग शांगपो, यारलुंग शांगपो बोलते हैं, ठीक है, ये ब्रह्मपुत्रा के नाम है, और बांग्लादेश में जमुना बोलते हैं उसको। तो जमुना नदी में जो है ये तिस्ता नदी मिल जाती है जाकर के। 1983 में एन एडहॉक वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट एलोकेटेड 39% ऑफ द तिस्ता वाटर टू इंडिया। एक एडहॉक, मतलब एडहॉक का मतलब है परमानेंट नहीं है, लेकिन वो एक वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट हुआ था जिसमें इंडिया को 39% जो है तिस्ता नदी का वाटर दिया गया और बांग्लादेश को 36% दिया गया था, और जो बचे हुए 25% वाटर था ना वो अनलोक एलोकेटेड था, मतलब उसका वितरण नहीं किया गया था। फिर क्या हुआ, 2011 में एक अंतरिम डील हुई थी दोनों के बीच में, जो तिस्ता नदी का पानी है उसको शेयर को लेकर के, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, और उसमें जो है 42.5% और 37.5%, ठीक है, 42.5% और, ठीक है, 42.5% और 37.5% रिस्पेक्टिवली, मतलब इंडिया को 42.5% दे दिया गया और बांग्लादेश को 37.5% दिया गया। लेकिन द स्टेट ऑफ बंगाल, वेस्ट बंगाल ऑब्जेक्टेड टू दिस, और वेस्ट बंगाल ने लेकिन इसको, इसका विरोध किया, जो हमारी वो ममता बनर्जी दी हैं, उन्होंने इसका विरोध किया और उन्होंने मांग किया और इस डील को कभी भी साइन नहीं करने दिया, ठीक है, जो ये डील बनाई गई थी इस डील को कभी भी साइन नहीं करने दिया। 2011 में काफी डिस्प्यूट हुआ था इसको लेकर के, जिसमें 42.5% वाटर जो है इंडिया को शेयर करने के लिए दिया गया और 37.5% बांग्लादेश को दिया गया, ठीक है, जो 25% अनलोकेट एलोकेटेड था उसको भी सॉल्व कर दिया गया। लेकिन जो वाटर है, क्योंकि इंडिया के संविधान में राज्य का सूची में आता है, ठीक है, जो संविधान के 7वीं अनुसूची है उसके तहत ये राज्य का विषय है, तो स्टेट ने जो है वहाँ पे, यहाँ पे देखो स्टेट ने इंडियन जो फॉरेन पॉलिसी है उस पर किस प्रकार से प्रभाव डाला और वो साइन नहीं हुआ इस पर, ठीक है, आप इस मैप में देख सकते हो, ये तिस्ता रिवर जो है यहाँ सिक्किम से निकलती है, ठीक है, ऐसे वो बांग्लादेश तक जाती है वेस्ट बंगाल होते हुए, और बांग्लादेश में ये जो है यमुना से मिल जाती है। तो ये वाटर डिस्प्यूट यहाँ पे चल रहा है इंडिया का और बांग्लादेश का, अभी भी वो उस पर सिग्नेचर नहीं हुआ है तिस्ता वाटर पे,
जो तीस्ता वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट जो है 2011 में जो प्रपोजल लाया गया था उस पर अभी भी असमंजस बना हुआ है। और दूसरी चुनौती जो है वो है इलीगल माइग्रेशन की। एक इलीगल माइग्रेशन तो बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है आज वर्तमान जो राजनीति है। दिस हैज ऑलवेज बीन अ प्राइमरी प्रॉब्लम फॉर इंडिया सिंस द पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल के विभाजन के बाद से ही इलीगल माइग्रेशन जो है भारत के लिए समस्या बनी हुई है। इन व्यू ऑफ दिस रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड द सेंटर कंप्लीट द फेंसिंग ऑफ द इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर सून टू चेक इलीगल इमिग्रेशन फ्रॉम द बांग्लादेश इन टू असम। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला था कि आप जो वहाँ पे चार दीवारी बना रहे हो बांग्लादेश के बॉर्डर पे उसको जल्दी से पूरा करो ताकि जो है जो इलीगल इमिग्रेशन होता है अवैध जो माइग्रेशन प्रवास होता है बांग्लादेश से इंडिया की तरफ उसको रोका जा सके। ठीक है, तो ये इशू था, ये सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर बोला है। रिपैट्रिएशन ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स द नेशनल रजिस्टर्स ऑफ द ऑफ सिटीजन, जो नेशनल रजिस्टर्स ऑफ सिटीजन है एनआरसी, हैज लेफ्ट आउट 1.9 मिलियन असामीज फ्रॉम द लिस्ट। जो नेशनल रजिस्टर ऑफ द सिटीजनशिप है एनआरसी उसमें 1.9 मिलियन जो असामीज थे वो बाहर कर दिए गए लिस्ट से विथ ए ग्रुप लेबल्ड इलीगल माइग्रेशन। उनको इलीगल माइग्रेंट्स मांग लिया गया। ठीक है, अवैध तरीके से बांग्लादेश से आए हुए लोग मांग लिया गया था जो आसाम में 1971 के बाद से रह रहे थे। 1.5 मिलियन 9 मिलियन। ठीक है, इंडिया उनको वापस बांग्लादेश में भेजने का की योजना बना रहा है। तो बांग्लादेश इस पे अड़ा रहा, ठीक है, कि यहाँ से कोई भी माइग्रेंट्स आसाम में इलीगली नहीं गया था 1971 के वार में, इंडिपेंडेंस में, वॉर फॉर इंडिपेंडेंस में। और ये जो कंट्रोवर्शियल एनआरसी है इसकी वजह से दोनों देशों के संबंध जो है खराब हो रहे हैं। तो इंडिया ने बोला कि हाँ ये बांग्लादेश से आए हैं, बांग्लादेश बोल रहा है कि ये हमारे वहां से गए ही नहीं है, फिर वो कहाँ से आ गए हैं। और वो फिर उनके अधिकार और उनके जो राइट्स हैं उनके जो डेवलपमेंट है वो कैसे किया जाएगा, ये भी एक इशू यहाँ पे बन रहा है। जो इशू ऑफ द ड्रग ट्रैफिकिंग है वो 2007 में इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड ने ये मेंशन किया था कि बांग्लादेश जो है एक प्राइम ट्रांजिट पॉइंट ऑफ द ट्रैफिकिंग ऑफ हीरोइन फ्रॉम द साउथ ईस्ट एशिया टू यूरोप है। यूरोप तक जाता है साउथ ईस्ट एशिया से बांग्लादेश से होते हुए हीरोइन का। हमने पिछली क्लास में जो है अफगानिस्तान वाली क्लास में एक मैप के थ्रू मैंने आपको दिखाया था जो गोल्डन क्रिसेंट है और जो गोल्डन ट्राइंगल ट्राइंगल है और ये बीच में इंडिया है। ठीक है, और ये गोल्डन ट्राइंगल पे भी यहाँ पे ट्रेड काफी ड्रग्स ट्रैफिकिंग काफी जोरों पर पकड़ती है। और ये जो गोल्डन क्रिसेंट है यहाँ पे ईरान अफगानिस्तान और पाकिस्तान का, और यहाँ पे बर्मा लाओस कम्बोडिया जैसे देशों का जो ड्रग्स ट्रैफिकिंग है उसके बीच में इंडिया पड़ता है और ये बांग्लादेश से होते हुए ये यूरोप तक जाता है। ठीक है, तो जो ड्रग्स ट्रैफिकिंग का जो इश्यू है वो काफी सीवियर इश्यू है यहाँ पर। और बांग्लादेश से यूरोप तक हीरोइन जाता है साउथ ईस्ट एशिया से। और जो INCB डेटा है वो यह भी बताता है कि जो ट्रैफिकिंग जो होती है इंडिया के थ्रू वो एक सबसे सामान्य मेथड है यहाँ से ड्रग्स को ट्रैफिकिंग करने की, मतलब ड्रग्स मादक पदार्थों की तस्करी करने की इंडिया के माध्यम से वो सबसे एक सामान्य सी प्रक्रिया है जो वो ड्रग जो स्मगलर्स हैं वो यूज करते हैं। ठीक है, साथ ही जो आर्म्ड डकैती बॉर्डर से लगे हुए जिलों में जो आर्म्ड डकैती होती है, हथियारबंद जो लुटेरे आते हैं और लूट करके ले जाते हैं, ठीक है, वो भी एक चैलेंज है। और फेक मनी ट्रांसफर, फर्जी पैसे जो ट्रांसफर किए जाते हैं, जानवरों की स्मगलिंग की जाती है, कैटल स्मगलिंग इज ऑल्सो ए कॉज ऑफ कंसर्न फॉर इंडिया। फर्दर द ट्रैफिकिंग ऑफ इलीगल मिग्रेंट्स एंड इन्वॉल्विंग देम इन टेररिस्ट एक्टिविटीज
जो अवैध रूप से जो मिग्रेंट्स आते हैं बांग्लादेश से, उनकी भी ट्रैफिकिंग की जाती है, उनकी भी तस्करी की जाती है, उनको टेररिस्ट बनाया जाता है। प्रोस्टिट्यूशन इन इंडिया इज ऑल्सो चैलेंजिंग इन इंडिया बांग्लादेश रिलेशन। जो वेश्यावृत्ति है वो भी, भारत में जो वेश्यावृत्ति है वो भी जो है एक इंडिया बांग्लादेश के बीच में रिलेशन में कंसर्न्स बना हुआ है, चैलेंज बना हुआ है। स्मगलिंग एंड ड्रग ट्रैफिकिंग लेड टू किलिंग द बांग्लादेशी वायलेटर्स बाय इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। जो इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उसके द्वारा जो है कुछ जो है वॉयलेशंस किए जाते हैं, जैसे कि स्मगलिंग और ड्रग ट्रैफिकर्स में बांग्लादेशियों को मारा जाता है। ठीक है, दिस इशू वॉज रेज बाई बांग्लादेशी अ फ्यू टाइम्स बट द इशू इज नॉट एट रिजॉल्व। बांग्लादेश ने इसकी कई बार कंप्लेन किया था लेकिन ये इशू अभी भी अनरिजॉल्व है, रिजॉल्व नहीं किया गया है। और इन सब के अलावा बांग्लादेश जो है भारत के द्वारा जो बनाया जा रहा एक डैम है, तपाईमुख जो डैम है बराक नदी पर जो बनाई जा रही है, उसकी भी मणिपुर में, बराक नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, और जो इंटरलिंकिंग ऑफ द रिवर्स प्रोजेक्ट है, ये तपाईमुख नदियों को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है, ठीक है, इसका बांग्लादेश विरोध करता है। ये देखो आप, ये बराक नदी है, यहाँ से वो बांग्लादेश में एंटर करती है, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया एक तपाईमुख डैम बनाने की कोशिश में है। तो तपाई मुख डैम जो है आप लोअर, आप कह सकते हो कि ये जो लोअर स्टेज ऑफ द रिवर है वहां पे बनाया जा रहा है। तो बांग्लादेश को थोड़ी इससे दिक्कत लग रही है कि हमारे वहां जो है कहीं पानी की समस्या ना हो जाए, वाटर मैनेजमेंट हमारा गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए जो है बांग्लादेश इसका विरोध करता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इन सब के बावजूद भी वाई इंडिया नीड्स बांग्लादेश। साउथ एशियन जो जियोपॉलिटिक्स है उसके, पाकिस्तान जो है हमेशा विरोध करता है इंडिया का, सार्क भी नहीं सही से चल रहा है, ठीक है, चाइना इतनी तेजी से जो है इंडिया को इनसर्कल करने की कोशिश में लगा हुआ है, बांग्लादेश उसका एक जो है टारगेट है। तो इसलिए जो है साउथ एशिया की जो जियोपॉलिटिक्स है उसमें बांग्लादेश का काफी महत्व है। उसके दृष्टिकोण से इंडिया बांग्लादेश को, इंडिया को बांग्लादेश की जरूरत है। कनेक्टिविटी हमने देखा, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं उनके साथ जो है एक ट्रांजिट मार्ग देने के लिए, रास्ता देने के लिए बांग्लादेश की काफ़ी इम्पोर्टेंस है। चाइना को काउंटर करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बांग्लादेश की, इंडिया को बांग्लादेश की जरूरत है, और टेरर से भी लड़ने के लिए इंडिया को जरूरत है बांग्लादेश की। तो हमने ये सारे टॉपिक जो है डिस्कस किए थे पीछे, तो हम समझ सकते हैं कि इंडिया को बांग्लादेश की जरूरत क्यों है। यहाँ पे आप देख सकते हैं म्यूचुअल नीड्स क्या है, बांग्लादेश को इंडिया की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि बांग्लादेश जो है एक मिडिल इनकम कंट्री के रूप में उभर रहा है, तो इसलिए बांग्लादेश को इंडिया की जरूरत है, ठीक है, और साथ ही आतंकवाद से लड़ने के लिए भी। ढाका इज द बिगेस्ट रेसिपिएंट्स ऑफ द लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफ इंडिया। हमने देखा था $8 बिलियन का जो लाइन ऑफ क्रेडिट इंडिया इसको देता है बांग्लादेश को। बांग्लादेश हैज इमर्ज एज अ की एलिमेंट ऑफ इन सब रीजनल कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स विद द पाकिस्तान रिफ्यूजिंग टू प्ले बॉल रेंडरिंग सार्क इनएफेक्टिव। मतलब वही सार्क की असफलता के बाद जो है स्थिति बनी है उसमें बांग्लादेश इंडिया के लिए काफी महत्वपूर्ण हो गया है। अगर हम कुछ बात करें लेटेस्ट अपडेट्स की, तो इंडिया बांग्लादेश जो है 2021 में अपना 5th एनिवर्सरी बनाया था डिप्लोमेटिक रिलेशंस का, और इस अवसर पर जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो बांग्लादेश गए थे मार्च 2021 में, ठीक है, और वहाँ पे कुछ MOUs साइन किए गए थे जो इस प्रकार से हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे, कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रिसाइलेंस एंड मिटिगेशन, ठीक है, आपदा प्रबंधन और रिसाइलेंस और मिटिगेशन को लेकर के इंडिया और बांग्लादेश के बीच में MOU साइन किया गया। MOUs बिटवीन बांग्लादेश नेशनल कैडेट क्रॉप्स एंड
नेशनल कैडेट कॉर्प्स ऑफ इंडिया, इनके बीच में भी एक एमयू साइन किया गया था। ठीक है, एमयूज ऑन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फ्रेमवर्क ऑफ कोऑपरेशन इन द एरिया ऑफ ट्रेड रेमेडियल मेजर्स बिटवीन बांग्लादेश और एंड इंडिया, कोऑपरेशन इन एरिया ऑफ ट्रेड रेमेडियल मेजर्स, मतलब ट्रेड को इम्प्रूव करने के लिए जो उपाय किए जाने चाहिए थे, किए जाने चाहिए, उसको लेकर के कुछ जो है यहाँ पर बांग्लादेश और इंडिया के बीच में एमयू साइन किया गया था। इसी तरीके से ट्राइपार्टाइट एमयू ऑन सप्लाई ऑफ आईसीटी इक्विपमेंट, कोर्स वेयर एंड रेफरेंस बुक एंड ट्रेनिंग फॉर द बांग्लादेश भारत डिजिटल सर्विस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग, ये भी इससे संबंधित भी एक एमयू साइन किया गया था। आपको पीडीएफ मिलेगा, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना इनको। ठीक है, ट्राइपार्टाइट एमयू ऑन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज एट राजशाही कॉलेज फील्ड एंड सराउंडिंग एरियाज, तो ये कुछ एमयूज वहां पे साइन किए गए थे। और यहाँ पे जो है तीन बॉर्डर हॉट्स का भी उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा वहां पे किया गया था। एक इंडिया में नालीकाटा और सैदाबाद बांग्लादेश के बॉर्डर पे, रिंक्यू इंडिया एंड बेगनबाड़ी बांग्लादेश, भोलागंज इंडिया और भोलागंज बांग्लादेश। ठीक है, ये तीन बॉर्डर हार्ट्स का भी उद्घाटन किया गया था। एंड द यूज ऑफ चतुर्ग्राम एंड मंगोल सॉरी मंगला पोर्ट्स, जो चतुर्ग्राम और मंगला पोर्ट्स हैं बांग्लादेश में, ये काफी इम्पोर्टेंट है फैक्ट्स। और ये स्टेटमेंट भी इन बांग्लादेश बांग्लादेश ने ये यूज करने के लिए इंडिया को अलाउ किया है फॉर द मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड फ्रॉम इंडिया, पार्टिकुलरली फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, यहाँ से है वस्तुओं का आवाजाही करने के लिए बांग्लादेश ने चतुर्ग्राम और मंगला पोर्ट्स को अलाउ कर दिया है इंडिया को। तो मोस्टली वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो हमारे उत्तर पूर्व के राज्य हैं वहां से जो वस्तु आएंगी उसके मूवमेंट्स के लिए काफी इजी होगा। यूज ऑफ बांग्लादेश फेनी रिवर फॉर द ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई इन त्रिपुरा, त्रिपुरा में जो है फेनी रिवर जो हमने देखा था वहां पे मैत्री सेतु बनाई जा रही है, वहां पर फेनी रिवर को त्रिपुरा से जो होते हुए भी आती है वहां पर उसके पानी को एज ए ड्रिंकिंग वाटर यूज करने के लिए बांग्लादेश ने अलाउ कर दिया है। सजेशन टू इम्प्रूव इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस, इन दोनों के रिश्तों को सुधारने के लिए क्या सलाह है? तो सबसे पहले तो जो तीस्ता वाटर डिस्प्यूट है उसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसका समाधान कर लिया जाए। ठीक है, और गवर्नमेंट हैज टू फॉर्म ए ट्राईपार्टीट कमेटी कंटेनिंग मेंबर्स फ्रॉम द इंडिया बांग्लादेश एंड द स्टेट वेस्ट बंगाल टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ द वाटर शेयरिंग एट द प्रेजेंट बांग्लादेश नॉट टेक प्लेस इन ज्वाइंट रिवर कमीशन मीटिंग, सॉरी वेस्ट बंगाल जो है अभी हाल में ज्वाइंट रिवर जो कमीशन मीटिंग है उसमें नहीं जाता है। तो लेकिन तीनों को मिलाकर के बांग्लादेश को, वेस्ट बंगाल को और इंडिया को इसमें डिस्कस करना चाहिए और जो वाटर शेयरिंग का जो मुद्दा है उसको जल्द से जल्द सॉल्व कर लेना चाहिए। द गवर्नमेंट हैज टू इंश्योर द डिपोर्टेशन ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स, फॉर द गवर्नमेंट शुड नॉट एक्सटेंड वोटिंग राइट्स नेशनलिटी टू इलीगल मूवमेंट्स, और इन जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको जितना जल्दी हो सके वहां पे इंडिया को उनको भेजना चाहिए। ठीक है, बांग्लादेश इस इश्यू को भी सॉल्व किया जाना चाहिए और आगे जो है गवर्नमेंट को उनको कोई वोटिंग राइट्स नेशनलिटी और इलीगल माइग्रेंट्स को नहीं देना चाहिए। ठीक है, उनको वहां पे शिफ्ट करना चाहिए बांग्लादेश में। और गवर्नमेंट शुड इन्वॉल्व ज्वाइंट फोर्सेस टू रिड्यूस बॉर्डर इशूज, ज्वाइंट फोर्सेस को संयुक्त जो ताकतें हैं उनको मिला करके जो बॉर्डर का डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करने की कोशिश करना चाहिए। सच एज इलीगल दोनों जो है, बांग्लादेश की भी सेना शामिल हो इंडिया की भी सेना शामिल हो, इलीगल ट्रेडिंग ट्रैफिकिंग कैटल स्मगलिंग इन सबसे उन लोगों को लड़ना चाहिए और उससे उभरना चाहिए, और इससे जो है एक बेटर रिजल्ट बनेगा वहां पे क्राइम को और कम करने में और सिविल मिलिट्री रिलेशंस को बढ़ाने में। ठीक है, दोनों फोर्सेस की ज्वाइंट फोर्सेस को लड़ना चाहिए।
इंडिया नीड्स टू स्ट्रेंथन रीजनल ग्रुप्स, भारत को जो है रीजनल जो ग्रुप्स हैं सार्क बिम्स्टेक इनको मजबूत बनाने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उसको काफी बल मिलेगा। तो ये हमने देखा है इंडिया बांग्लादेश का रिलेशनशिप, और ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अगर कोई भी इशू और भी हमको कुछ समझ में आता है तो वी विल डिस्कस इट आगे चल के करेंट के इश्यूज में हम डिस्कस करेंगे इसको। तो आज के लिए बस इतना ही, अब अगली क्लास में हम म्यांमार इंडिया रिलेशनशिप देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे। अगर आपको इस टॉपिक में समझाए गए किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं खुद पर्सनली उसका रिप्लाई 24 घंटे के भीतर करूंगा। आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं ताकि अगर जरूरत पड़े तो हम सुधार भी कर सकते हैं। आप हमसे हमारी ओकुल वेबसाइट, हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल या फिर ईमेल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। ये सभी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ शेयर करना नहीं भूलें ताकि इनसे उनकी भी हेल्प हो सके। इस सेशन में हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में बहुत जल्द, तब तक ओकुल के साथ लर्निंग को एंजॉय करते रहें। थैंक यू सो मच।